नमस्कार, सिटी बिग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं लोकेश और हम लेकर आए हैं आपके लिए हिसार शहर की हर वो खबर जिसका सरोकार है हम सबसे। तो आइए देखते हैं आज की ये खास खबर। अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए विराट धर्मसभा शंखनाद का आयोजन विश्व हिंदू परिषद की तरफ से पुराना गवर्नमेंट कॉलेज मैदान हिसार में किया गया, जिसमें भारी संख्या में श्रीराम भक्तों ने पहुंचकर अयोध्या में श्रीराम के भव्य मंदिर बनने तक नहीं रुकने का संकल्प लिया। श्रीराम के जयकारे लगाते हुए राम भक्त ढोल नगाड़ों पर नाचते हुए पुराना गवर्नमेंट कॉलेज मैदान में एकत्रित हुए। विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित इस शंखनाद का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल्द ही लोकसभा में प्रस्ताव लाकर मंदिर निर्माण का अध्यादेश जारी करवाना है। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने कहा कि हिंदुत्व किसी धर्म या संप्रदाय का विरोधी नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि पूरा देश एकजुट होकर अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण में एक सुर में साथ दे। मुझे लगता है ये भारत की भूमि वीरों के इतिहास को दोहराने वाली रही है। उनको पता है कि भारत की भूमि के ऊपर जितने भी नौजवान हैं, उनको यदि भारत की वीरता का ज्ञान हो गया तो ये भारत की भूमि के नौजवान पाखंड और पाखंड से संबंधित तमाम प्रकार की दूषित परंपराओं को जड़ से उखेड़ कर बाहर फेंक डालने की ताकत और सामंजस्य अपने अंदर रखते हैं। क्या अचरा के तन रोग था तेरा भव रोग मिट जा, श्री राम नाम के जाप से होत पाप का नाश। लेकिन यवनों ने उस मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद का नाम दिया। हिंदुओं को उसी समय जाग जाना चाहिए था जब यह काम हुआ। इस अवसर पर बजरंग दल के प्रांत संयोजक सुशील चौधरी ने खास मुलाकात में बताया, जो ये कार्यक्रम का आयोजन करने का उद्देश्य क्या है। अयोध्या में 490 साल से हमारे प्रभु राम जी जिस मंदिर के लिए इंतजार कर रहे हैं, उस मंदिर को निर्माण को पूरा करने के लिए आज पूरे देश में पिछले 2 तारीख से हर लोकसभा क्षेत्र में हम लोग 500 ऐसी बड़ी सभाएं कर रहे हैं। हमारा केवल एक ही लक्ष्य है, हम चाहते हैं कि अयोध्या में भगवान श्री राम जी का भव्य मंदिर बने। जैसे जब भी चुनाव आते हैं इस तरह के मुद्दे उठते हैं और इस तरह के मुद्दे अभी तक सुलझा नहीं पाए आप लोग, सब लग के विश्व हिंदू परिषद लगा, बजरंग दल लगा लो, बीजेपी लगा लो समय समय, अब क्या कारण है? नहीं, ये ऐसा नहीं है कि चुनाव के समय हम लोग कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ 1528 से लेकर 6 दिसंबर 1992 तक लगातार हिंदू लड़ाए और 6 दिसंबर 1992 से लेकर आज तक लगातार हम कोर्ट में लड़े। फिर कोर्ट ने जब मना कर दिया, हमने नहीं कोर्ट को कहा, कोर्ट ने कहा मेरे पास इस मुद्दे को सुनने के लिए समय नहीं है। जब कोर्ट के पास समय नहीं है तो जनता की अदालत है, जनता की अदालत में जाएंगे, जनता से फरियाद करेंगे, जनता अपने सांसदों को कहे कि वो संसद में बिल लेकर आए। जैसे आज भी हम लोग देख रहे हैं जो संख्या होनी चाहिए थी उतनी संख्या नहीं पहुंच पाई, क्या कारण है इसमें? नहीं, ये कोई कारण नहीं है, लोग आ रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग निकलेंगे भी। और यहाँ देखो, जंगल में शेर थोड़े ही होते हैं और आज तक दुनिया में जितने इतिहास उठाकर आप देख लीजिए, आंदोलन करने वाले लोग और स्थितियों को परिवर्तन करने वाले लोग केवल 5% होते हैं। ये वो 5% लोग हैं जो स्थिति को परिवर्तन कर देंगे। आपको क्या लगता है कब तक बन पाएगा? हाँ, हम ये चाहते हैं कि 2019 के चुनाव से पहले हमारे प्रभु राम जी के मंदिर की ईंट रखी जाए, ये हमारा निर्णय है, हमारा लक्ष्य है और इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। अगर नहीं होता है या सरकार इसमें गौर नहीं करती है तो क्या करेंगे? तो आंदोलन है सीधा सरकार के खिलाफ भी। राम मंदिर के अलावा कुछ नहीं चाहिए, पहले मंदिर फिर सरकार। योगाचार्य महामंडलेश्वर स्वामी दिनेशानंद ने कहा, इस तरह के जो आयोजन होते हैं इसमें बहुत कम संख्या में हिंदू देखे जा रहे हैं, आपका इस विषय पे क्या कहना? ऐसा नहीं है, आज हिंदू समाज जो है वो जागृत हो गया है, क्योंकि मुझे अतीत में अगर मैं जाऊं तो 1992 का मुझे वो दृश्य याद आ गया
जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया था, और अब ये समय आ गया है कि सारे राम भक्त सारा हिंदू समाज संगठित होकर के एकत्रित होकर के राम मंदिर का निर्माण करें। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी से एक ही आग्रह करता हूं कि इन हिंदू समाज का मार्ग प्रशस्त करें, और अब सत्र प्रारंभ होने जा रहा है और इसमें कानून लेकर के आए या अध्यादेश ला करके जैसे सोमनाथ का मंदिर बना था ऐसे ही श्री राम का मंदिर वहां पर बने निर्माण हो। जैसे आप देख रहे हैं आज हिसार के, आप जनता देख रहे हो, आपको ये नहीं लगता कि राजनीति का शिकार हो रहा है हिंदू समाज? हाँ, ये है, कुछ शुद्र राजनीतिज्ञों ने हिंदू समाज को बांटा है, और क्योंकि आज हिंदू समाज जाति पातियों में बटा है, लेकिन जब राष्ट्र की बात आती है, जब देश की बात आती है, तो सारा हिंदू एक हो जाता है, संगठित हो जाता है। देश की बात अलग है, हम एक मंदिर की बात कर रहे हैं, राम जन्मभूमि की, उसकी बात कर रहे हैं। उसमें कभी आप, हम देख रहे हैं कि जनसंख्या बहुत कम है और राजनीतिक दलों की वजह से पब्लिक का बंटवारा दिख रहा है। देखिए, ये जो राम का जो मंदिर का जो प्रश्न है, मुद्दा है, ये किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये सारे हिंदू समाज का है, और हिंदू समाज संगठित हुआ है। देखो, पार्टियां अलग अलग होती हैं, उनका अपना अपना प्रभाव होता है, लेकिन मैंने कहा कि देश का ही एक बहुत मुद्दा है राम जन्मभूमि का। राष्ट्र के ऊपर जब कोई संकट आता है, चाहे वो राम मंदिर की बात हो, चाहे वो धारा 370 की बात हो, चाहे आपका ये श्री राम मंदिर का निर्माण हो, तो हिंदू समाज संगठित हुआ है। अभी तो बहुत सारे काम करने हैं, जनसंख्या नियंत्रण का भी कानून बनाना है, लेकिन समय आ रहा है कि आज भारत फिर से विश्व गुरु के पद के ऊपर सुशोभित होने जा रहा है। सेंटर में जो सरकार आती है बीजेपी की और विश्व हिंदू परिषद आरएसएस, समय समय पर ये मुद्दे उठते रहते हैं राम मंदिर का, उसके बावजूद अभी तक वो मुद्दा कहीं जगह पे नहीं पहुंचा कि उसका निर्माण। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुत्व की बात करती है, जो हिंदुओं के पक्ष में खड़ी रहती है। अन्य सरकारों से हम कोई उम्मीद, कोई आकांक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि अन्य सरकारों ने तो राम के होने के प्रमाण मांगे थे, उन्होंने तो राम सेतु के प्रमाण मांगे थे कि राम ने कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज से प्राप्त की थी डिग्री। तो ऐसा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी ही है जिनके कुशल नेतृत्व में राम मंदिर का निर्माण होगा, हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है ये माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर। आपको क्या लगता है कब तक इसका निर्माण होगा? 2019 से पहले हमें पूर्ण विश्वास है कि हिंदुओं का मार्ग प्रशस्त होगा और राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। हिंदू समाज से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, हिंदू समाज को इकट्ठा होने के लिए क्या कहना चाहेंगे? हिंदू समाज को मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि हम सनातनी परंपरा, हम वेदों की परंपरा से जुड़े हैं, और वेद में बहुत सुंदर कहा है, सम गच्छद्वम सम वदद्वम सम वो मनानसी जानतम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते, कि हम सब संगठित होकर के इस समाज, इस देश, इस राष्ट्र के अंदर जो दुराचार, जो व्यभिचार, जो भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है, उन कुरूतियों का हम दमन करें और इस धरा के ऊपर राम राज्य की स्थापना करें। हिसार शहर की तमाम खास खबरों के लिए आप सब्सक्राइब करें सिटी बिग न्यूज़ को और जुड़े रहें हर वक्त शहर की तमाम खास खबरों के साथ। और अब लोकेश को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।